इस दुनिया में दो तीन धार्मिक व्यक्ति को छोड़ देना, जैसे पैगंबर मोहम्मद को छोड़ दीजिए, ईसा मसीह को छोड़ दीजिए और बुद्ध को छोड़ दीजिए, ऐसे तीन चार लोगों को छोड़ दें, तो आज तक के दुनिया के इतिहास में जिस व्यक्ति का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा हुआ है वो कार्ल मार्क्स है। लोग कहते हैं मार्क्स फेल हो गया, लेकिन लोग ये नहीं समझ पाते कि जिस एक व्यक्ति के नाम पर दुनिया के तीन हिस्से हो गए हों, पूंजीवादी दुनिया, मार्क्सवादी दुनिया और तीसरा गुट निरपेक्ष। तो एक व्यक्ति के नाम पर एक तिहाई देश इसको मानते हैं, एक तिहाई इसका विरोध करते हैं और एक तिहाई मानते भी विरोध भी करते हैं, वाले चल रहे हैं। इतना बड़ा सम्मान दुनिया के इतिहास में आज तक किसी को नहीं मिला है कि एक व्यक्ति की विचारधारा के समर्थन और विरोध में दुनिया बट रही हो। इस्लाम ईसाइयत का संघर्ष है, तो मैंने इससे पहले कहा पैगंबर को ईसा मसीह को निकाल दीजिए, रख बुद्ध को बाहर निकाल दीजिए, सब धार्मिक लोग हैं, धर्मों के नाम पर दुनिया बटी, इतिहास ने देखा है। इन धर्मों का युग खत्म होने के बाद केवल एक व्यक्ति है जिसके नाम पर दुनिया बटी है, वो कार्ल मार्क्स है। और इतनी बड़ी सफलता, जो कहते हैं मार्क्स फेल हो गया, उन गधों को समझाओ कभी कि सफलता का मतलब क्या होता है।